हमें तो कुछ आशाएं नहीं है, उम्मीद खत्म ही है। मांग तो कर सकते हैं। क्या बजट पेश करते हैं ये तो आने में पता पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, एक दिन रात झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे और क्या करेंगे। कर्जा माफ, सरकार ना कोई साधन नहीं देगा। राजनीति में अक्सर बात होती है हाशिए पर खड़े लोगों के उत्थान की, खासकर वैसे मजदूर जो पूरी उम्र मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, आधा पेट खाते हैं और दूसरों का आशियाना बनाते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद वो अपने लिए एक घर भी नहीं बना पाते। तो ऐसे में हम बजट से पहले वैसे लोगों की जो वाकई में हाशिए पर खड़े हैं, मजदूर हैं, रिक्शा चलाते हैं, गरीब हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि बजट को लेकर उनकी सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं। तो चलिए जानते हैं वैसे कुछ लोगों की राय। क्या चाहेंगे, हमको कौन क्या देगा, कुछ उम्मीद नहीं है। अरे उम्मीद है लेकिन देगा तो नहीं। हमें तो कुछ आशाएं नहीं है, इसलिए कि जितना भी काम ये हो रहा है ना, फर्दर हो रहा है। सरकार से मेरे यही कहना है कि हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन हम लोगों को सफलता नहीं मिलती है उस चीज को। सरकार ना कोई साधन नहीं दिया है, हम बताएं, है ना, साधन देना कुछ, हम ये मांगते हैं हमको कुछ साधन देना, बुढ़े आदमी कोई पैसे टका कोई भी देना, कोई मदद करे। बजट में ये काम होना चाहिए कि कम से कम पब्लिक रिलीफ के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए, भैया तो ये चोरी रुके पूरी तरह से, या GST में रिबेट मिलनी चाहिए जिससे पब्लिक को कम से कम कुछ तो सहूलियत मिले ना, अदरवाइज तो सब बेकार ही है। क्या बजट पेश करते हैं ये तो आने में पता पड़ेगा। सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? क्या सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे सर, हम लोग के तो ये जो भी 10-20 रुपए कमाई होता था वो भी बैटरी वाला निकाल दिया सरकार, हम लोग के पेट पे लात मार दिया, और क्या करें। कुछ नहीं मिला, कहा अभी तक ले मिला, काम नहीं चल रहा है, बच्चे नहीं पालेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, फिर क्या करेंगे, यही दिन रात झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे और क्या करेंगे। तो सरकार से क्या उम्मीद है, क्या आपकी मांग है, आप कुछ चाहते हैं सरकार से? बता तो है कि कह दे के कर्जा माफ हो जाएगा तुम्हारा। मोदी सरकार यदि चाहे कमा सकते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो भी कोई काम कर रही है चलो ठीक ठाक कर रही है, मगर जो भी कोई सुविधा है वो डायरेक्ट सीधा गरीब लोगों के पास आना चाहिए। तो वो जो भी सुविधा गवर्नमेंट करती है वो गरीब लोगों के पास ना जाके बीच के दलाल लोग खा जाते हैं उसको। अब ये अभी तो फैसला ढोरा है, अभी तो देख रहे हैं, अब छोटे छोटे बच्चे थे, आदमी हमारा गुजर गया है, तो पाल पाल के बूढ़े तो होएगा, कोई साधन तो सरकार से मिल रहा ही नहीं, अभी भी नहीं, सबके मकान बन गए, प्लॉट मिल गए, हमको क्या है। सरकार अच्छे काम करे, गरीब आदमियों के लिए सुविधा करे। GST हम नहीं चाहते, GST हट जाए तो सबसे अच्छा चीज़ है, गरीब लोगों के ऊपर पड़ता है GST। मजदूरी मिलना चाहिए ज़्यादा, वो भी नहीं मिलती है, 200-250 रुपये मजदूरी मिलती है, उसी में पेट भोजन कर लेते हैं हम लोग। प्याज हो गया है, सब्जी हो गया, ये सब महंगाई आगे बढ़ता जा रहा है।